100 मकान की एक कॉलोनी हमने तैयार की थी, वो पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है। अच्छा, वो मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, सोल्ड आउट भी हो गई, कोई 4 साल से कोई 3 साल से, और सब लोग प्रसन्न हैं। वीडियो आपने शूट किया था ठंडी में, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, और कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठा करके सस्ते मकान और टिकाऊ मकान खरीदे हैं। 800 मीटर के अंतराल में स्कूल, कॉलेज, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल, क्लिनिक, अस्पताल, सरकारी, प्राइवेट, तो दुकानें हमने बनाई हैं, लेकिन अब दुकानें हमारे पास 2 ही बची हैं। तो हमारे पास 650, 700, 800, 900, 1000 सभी हैं। 800 स्क्वायर फीट है, 22 लाख का मकान है। अच्छा, और इसमें 3 कमरे हैं। तो किचन का भी स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, किचन भी काफी स्पेसेस है और ओपन स्पेस रहने वाला है। अलमारी भी पर्याप्त मात्रा में बनी है, और ये आपका 16x14 का पिलर है, और ये देखिए पिलर है इस तरीके, इधर भी पिलर है, और सब चारों तरफ पिलर पे ही मकान है ये। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी इन्फो ब्लॉग पर। आज आप सभी के लिए फिर से एक हाउस की कॉलोनी लेकर के आ गए, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉलोनी रहने वाली है, जो कि मेन रोड से काफ़ी कम डिस्टेंस पे भी आ जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी आसपास में आबादी भी है और बहुत ही अच्छी सोसाइटी, बहुत ही कम बजट में आज कॉलोनी रहने वाली है। बहुत ही सस्ता घर रहने वाला है, जो कि लखनऊ में आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे कि आपको काफ़ी कम बजट में घर मिल जाए, तो आज ऐसा ही मकान रहने वाला है। आज हमारे साथ में सर हैं, जो सर के थ्रू ही यहाँ पर आप हाउस भी खरीद सकते हैं। सर ही ऑनर रहने वाले हैं। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारी फैमिली को अपने बारे में अपना परिचय एक बार फिर से बता दीजिए। परिचय ये है कि देखिए, ये गोकुल रेजिडेंसी के नाम से हमारी कॉलोनी है, और अभी इसके पीछे मऊ में 100 मकान की एक कॉलोनी हमने तैयार की थी, वो पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है। अच्छा, वो मतलब पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, सोल्ड आउट भी हो गई। अब वहाँ कोई मकान बचा नहीं, सारी फैमिली वहाँ पर रह रही है सुखी। कोई 5 साल से रह रहा, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, और सब लोग प्रसन्न है। उसी तरीके से ये दूसरी कॉलोनी बनाई गई है, और इस कॉलोनी के साथ ही अभी आगे तक इसी प्रकार के और पैकेज बनाए जाएंगे, जो 7, 8, 10, 15 मकान के गेट लगे होंगे, और सबका अपना अलग अलग गेट होगा। छोटी छोटी मतलब गेटेड कॉलोनी, गेटेड कॉलोनी ये बनाई जाएगी, जो पहला उसका पोर्शन ये तैयार हो गया है। और जैसा कि पिछला वीडियो आपने शूट किया था ठंडी में, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, और कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठा करके सस्ते मकान और टिकाऊ मकान खरीदे हैं। और अब अभी कुछ यूनिट बची हुई हैं, तो एक बार कई लोगों का फ़ोन आया कि एक वीडियो और दोबारा से बना दीजिए, कि अब क्या बचा है, क्या है, तो वही आज दोबारा वीडियो बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, कि जिससे जो बचे हुई हमारी यूनिट हैं, जिनको लाभ लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है सर। सर, जैसे पिछली वीडियो में आपने बताया था इसकी लोकेशन क्या थी, तो इसकी लोकेशन क्या रहने वाली है? देखिए, लोकेशन ये गौरा है, इसको गौरा गांव भी कहते हैं, गौरा बाजार भी कहते हैं, और ये मोहनलालगंज का वार्ड है, और ये नगर निगम के अंतर्गत है। अच्छा, ये पूरी प्रॉपर्टी मतलब नगर निगम के अंतर्गत आ जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या नियरेस्ट में, जैसे बहुत सारे लोग घर लेते हैं आसपास में, चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज हो, तो यहाँ पे कौन कौन से स्कूल और क्या नाम होंगे और क्या दूरियाँ होंगी? देखिए, हर चीज़ का अगर अलग अलग बताएंगे तो काफ़ी समय गुजर जाता है और मेन चीज़ छूट जाती है। तो यहाँ से 800 मीटर के अंतराल में स्कूल, कॉलेज, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल, क्लिनिक, अस्पताल, सरकारी, प्राइवेट, ये सब कुछ रहने सब है। कुछ रेलवे स्टेशन मोहनलालगंज सब बिल्कुल नियरेस्ट है। और आप आपने अभी देखा होगा कि इस रोड से कितने ई रिक्शे चल रहे हैं। ऐसा नहीं घर के सामने आप खड़े हो जाइए, 5 मिनट में आपको जाने के लिए ई रिक्शा और साधन भी मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं, आप भी रहने वाले, साधन भी रहने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आज किस साइज के मकान को कवर करेंगे? उस साइज के मकान के बारे में बताने से पहले हम ये बता दें कि यहाँ पर दूध, सब्जी, सारी चीजें बिल्कुल ताजी मिलती हैं। मतलब गेट पर ही आकर बिल्कुल यहाँ पर ताजी मिलती है, यहाँ गांव का बिल्कुल ताजा सब्जी मिल जाता है, और यही सब्जी जब बाजार में जाता है तो दूसरे तीसरे दिन वो लोग बेचते हैं, तो उसका भी यहाँ लाभ मिलने वाला है। आप सामने देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये कैंपस है, इसमें सारे फ्लैट्स बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये पूरा फ्लैट, पूरा फ्लैट बनेंगे, और यहाँ बहुत बड़ा एक वाटर पार्क भी बनेगा। अच्छा, तो उससे यहाँ लोकेशन आने वाले समय में ऐसी होने वाली है कि यहाँ मकान तो छोड़ दीजिए, यहाँ दुकान भी नहीं मिलने वाली। और दुकान भी आपने शायद बना के? हाँ, अभी तो दुकानें हमने बनाई हैं, लेकिन अब दुकानें हमारे पास 2 ही बची हैं। अच्छा, बाकी सोल्ड आउट? बाकी सोल्ड आउट है। ठीक है, किस साइज के मकान रहने वाले हैं? देखिए, मकान तो हमारे पास 650, 700, 800, 900, 1000 सभी हैं, लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे 800 और 700, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको 650 और 1000 का मकान दिखाया था। अभी हमारे पास 1000 यूनिट की दो यूनिट बची हुई हैं, 1000 स्क्वायर फीट की। अगर किसी को लेना होगा तो संपर्क कर लेगा, उसकी कीमत 28 लाख है। हाँ, मिल जाएगा। सभी 2 BHK रहने वाले हैं, कोई 2 BHK, 3 BHK सब हैं। अच्छा, दोनों ही तरीके के रहने वाले। तो ये चलते हैं हम लोग कॉलोनी में। सबसे पहले हम लोग कॉलोनी में अगर आपके रोड की बात कर लेते हैं, रोड की किस साइज़ है? देखिए, रोड ये 30 फीट की है,
जिसमें दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करने के बाद आप लोग जा सकते हैं अंदर। मतलब इजीली एक स्पेस तभी बचा रहे। हाँ, बचा रहे। आप ये गेटेड कॉलोनी रहने वाली है, तो आप जो भी मकान देख रहे हैं सारे के लोकेशन सामने के फ्रंट के आपको एक ही तरीके के देखने को मिल जाएंगे। अभी ये मकान आपका रहने वाला, अगर इस मकान के हम लोग क्या साइज रहने वाले, इस मकान के बाद ये 800 स्क्वायर फीट है, 22 लाख का मकान है। अच्छा, और इसमें 3 कमरे हैं। 3 कमरे रहने। हाँ, 2 लेटरिन बाथरूम है, आंगन है, किचन है, कारपोर्च आप देख ही रहे हैं सामने। ठीक है, क्या डायमेंशन रहने वाली है इस हाउस का? डायमेंशन इसकी रहने वाली है 40 फीट, तो ये गहरा है। ठीक है, और 20 फीट ये वो है इसका फ्रंट। कहने मतलब 20x40 20x40 का वाला है, जो कि 3 रूम के सेट में पूरा रहने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आइए हम लोग अंदर में चलते हैं। अभी फ्रंट में जैसा कि यहाँ पे गेट वगैरह काम अभी अच्छा, गेट अभी लग जाएगा। गेट इसलिए नहीं लगाया है कि कभी हमारे पास डिजाइनें बहुत हैं गेट की, तो जो डिजाइन पसंद करेगा डिजाइन दिखा के वही लगवा दिया जाता है, तो आदमी संतुष्ट हो जाता है कि हमारे मन का गेट लग गया। बिल्कुल। और इसमें हम लोग इसके अलावा हमारे पास जो है हर पल्ले की, देखिए आपने जो मकानों में पल्ले लगे उनमें अलग अलग डिजाइन के लगे हुए हैं, तो वो डिजाइनें सारी हमारी एल्बम में हैं। जैसे कोई आएगा तो उसको एल्बम दिखाया जाएगा, विद इन 3 डेज पल्ले लग जाएंगे, सब हमारे गोदाम में स्टॉक है। अच्छा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी मकान में अभी काम कम है वो सारा को करके देंगे, 15 दिन में आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। अब हम क्या क्या करके देंगे, हम स्विच लगाएंगे, तार डालेंगे, टोटी लगाएंगे, गेट लगाएंगे, खिड़की तो बनी हुई है सारे, इनमें पल्ले लग जाएंगे, शीशे लग जाएंगे, ये सारा का सारा करके देंगे, सारा का सारा। हाँ। करके देंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने ये कॉलोनी तो बनाया ही है, साथ ही आपने बताया स्टार्टिंग में ही कुछ पुरानी कॉलोनी भी जिन पे आपने मकान बनाकर डिलीवर कर दिया है। जी जी। क्या कोई अपना पैसा लगा के कहीं जमीन है और कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी आप वर्क करा सकते हैं? हाँ हाँ, देखिए हम मटेरियल सहित वर्क करा सकते हैं, हम मटेरियल सहित काम करते हैं और बढ़िया मकान बना के देंगे। और आपको पता होगा कि हमारे पास 30 से 35 डिजाइनें हैं, जो डिजाइन आदमी पसंद करेगा उस डिजाइन का उसको मकान बना देंगे। हमारे पास इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट सारे सुविधा उपलब्ध है। वो जो मकान आप बनाएंगे क्या इसी लोकेशन बनाएंगे, लखनऊ के किसी भी, लखनऊ के किसी भी कोने में हो? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मेसन्स और लेबर और सारी चीज उपलब्ध है, तो वहाँ पे भी आप मकान बनवा करके दे सकते हैं। ठीक है, इस मकान में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि पार्किंग का स्पेस है, पार्किंग में कौन कौन सी गाड़ियां लमसम खड़ी हो सकती हैं? अब इसमें आप देख ही रहे हैं कि इसमें सफारी और स्कॉर्पियो छोड़ के फॉर्च्यूनर बाकी सारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, मतलब मिड सेगमेंट की जो भी गाड़ी आती है सारी पार्किंग। हाँ, सारी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग एंटर करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो 2 दरवाजे देखने को मिल जाते हैं, एक तो आपको ड्राइंग रूम का स्पेस मिल जाता है, एक आपका डायरेक्ट हॉल का स्पेस रहता है। ये ड्राइंग रूम का दरवाजा है ये वाला आपका? हाँ। ठीक है, इसमें क्या स्पेस रहने वाला है ड्राइंग रूम का? ये ड्राइंग रूम है और ये 14x12 का ड्राइंग रूम है। अच्छा, ये पर्याप्त साइज होता है। ठीक है, ड्राइंग रूम इसमें आप इसमें पल्ले वगैरह भी लगवा के? बिल्कुल बिल्कुल, सारे पल्ले लग जाएंगे। और ये चाहे आपका तो एक अटैचमेंट वॉशिंग, और इससे ड्राइंग रूम से अटैच एक बाथरूम बना हुआ है, जिससे कि कोई बाहर का अगर आए तो वो अंदर न जाए और यहीं अपना बाथरूम कर ले। ठीक है, इस साइड में हम लोग आ जाएंगे तो किचन का भी स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, किचन भी काफी स्पेसेस है और ओपन स्पेस रहने वाला है। ये आप किचन ऐसे ही देंगे या कुछ और इसमें करेंगे? नहीं, ये किचन हम ऐसे ही देंगे, अगर कोई मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहता है तो उसको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि जो किचन है उसमें 70,000 रुपये लगते हैं, 65,000 लगते हैं मॉड्यूलर बनाने में, लेकिन 40,000 अगर देगा तो मॉड्यूलर बन जाएगा। और ये देखिए आप हाल देख रहे हैं, साथ में बगल में आंगन है सामने, अगर कभी बर्तन ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो आदमी आंगन में भी रख सकता है, और रोशनी पर्याप्त मिलेगी और वेंटिलेशन का भी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, इस साइड में 2 कमरे रहने वाले, इस साइड में 2 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है। इसका क्या साइज रहने वाला है? ये 12x10 का बेडरूम है। अच्छा, ये 12x10 का है और इसमें देखिए एक लैट्रिन बाथरूम इसमें बना हुआ है, अटैच है इससे, एक बाथरूम आपका इस साइड भी आ जाता है। हाँ, इससे अटैच बाथरूम है और इस साइड में एक स्पेस भी दे रखा गया है, मुझे लग रहा है स्टोर रूम का रहने वाला है, और ये स्टोर रूम इसमें दिया हुआ है। अच्छा, मतलब साथ ही साथ स्टोर रूम भी आप? हाँ, स्टोर रूम बना सकते हैं। दूसरा बेडरूम है, इस बेडरूम में आप देख रहे होंगे कि ये आंगन से कनेक्ट है, अगर इसमें कूलर लगाना चाहें या कुछ लगाना चाहें तो आंगन में लगा सकते हैं। इस मकान की हम लोग अगर कीमत की बात करें तो क्या कीमत रखा है आपने? ये 22 लाख का है। अच्छा, कुछ निगोशिएबल या फिक्स रहने वाला है? नहीं, देखिए निगोशिएबल करना होता तो उतना ही कम से कम बताएंगे, तो पिक्चर बाहर जा रही है कि जितना कम से कम होगा वही दाम बताए जाते हैं। अच्छा। हाँ। इस पे क्या बैंक के माध्यम से लोन हो जाएगा? सारी बैंक के लोन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब बैंक के माध्यम से लोन भी हो जाएगा, बस आप हो लोन लेने लायक। अच्छा, आपकी प्रोफाइल मतलब हो, प्रोफाइल ऐसी हो कि आपको लोन मिल जाए, बाकी लोन मिल जाए। किस साइज का मकान दिखाने के लिए चल रहे हैं? अब आगे हम 700 दिखाएंगे। चलते हैं, हम लोग जिस मकान पे खड़े, इस मकान का क्या साइज रहने वाला है? 700 स्क्वायर फीट। क्या फ्रंट और बैक रहेगा?
17x40 है। अच्छा, इसमें अगर गाड़ी पार्किंग का देखा जाए काफी अच्छा स्पेस है, गाड़ी पार्किंग का भी रहने कोई भी गाड़ी पार्क हो जाएगी इसमें। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हम लोग आगे तो बढ़ते हैं, किचन भी रहने वाला है, किचन जो कि आपका ओपन है और बाहर की तरफ ही मतलब रहने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किचन भी देखेंगे तो आप काफी स्पेस है, छोटे मकान में जैसा होता है किचन उस टाइप से बहुत बढ़िया किचन दिया गया है। इस साइड में आपको यहाँ पे दो कमरे भी देखने को मिल जाते हैं, एक आपका एक अच्छा खासा हेवी साइज का रहने वाला है, पीछे वाला कमरा भी काफी बड़ा रहने वाला है। इसे क्या साइज रहने वाली है? ये जो है 12x9 का रूम है। अच्छा, काफी स्पेशियस। ये ड्राइंग रूम भी इसको बना सकते हैं, बच्चों का रूम भी बना सकते हैं, जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, और इस साइड में हम लोग आ जाते हैं तो आपको एक वॉशरूम भी इधर देखने को मिल जाता है। ये एक वॉशरूम है जो दोनों कमरों से अटैच है। अच्छा हाँ, और ये आंगन है, आंगन का भी स्पेस रहने वाला है। इस पे कमरों के अगर साइज का ये सबसे बड़ा हमें लग रहा कमरा रहने वाला है। इसमें अलमारी भी पर्याप्त मात्रा में बनी है, और ये आपका 16x14 का रूम है, रूम रहने वाला। हाँ, इसकी क्या कीमत रहने वाली है? इसकी कीमत है 16.5 लाख। 16.5 लाख रुपये। एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को फिर से जो भी मकान आपके पास में उनके क्या कीमत रहने वाली, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, वैसे आप किसी भी मकान को 2600 रुपये स्क्वायर फिट से गुणा कर दीजिए। अच्छा, जितने भी स्क्वायर फिट का है, जितना भी साइज चाहते हैं, जितना भी साइज चाहते हैं उसका टोटल निकल आएगा। अच्छा, यहाँ जो जो साइज आपका अवेलेबल है, अगर इसके अलावा भी कोई और बनवा के लेना चाह रहा तो क्या बनवा के मिल जाएगा? नहीं, बनवा के तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेस, यहाँ जमीन नहीं है। अच्छा, जमीन खत्म हो चुकी। हाँ, यहाँ और जो जमीनें हैं उनमें इसी तरीके की पूरी कॉलोनी बनेगी। अच्छा, लेकिन पूरे लखनऊ में कोई भी अपनी जमीन पे बनवाना चाहता हमसे तो मटेरियल से तो ऑर्डर दे सकता है, हम बना देंगे। आप बना देंगे, ठीक है। इसमें जो भी है मजबूती की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये सभी मकान कॉलम पे बने हैं? सारे कॉलम पे। अच्छा, सारे मकान जो भी, और मटेरियल भी आपने अच्छा यूज ही किया, क्योंकि आप लमसम मकान बनाए, जो भी पुराने में लिए हैं वो भी काफी खुश हैं। बिल्कुल, इसलिए काफी अच्छे मटेरियल के साथ आपने ये मकान बनाया। हाँ, उसके लिए आप देख भी सकते हैं कि जैसे जगह जगह पिलर बने हुए हैं, ये देखिए पिलर हैं और ये देखिए पिलर है, इस तरीके इधर भी पिलर हैं और सब चारों तरफ पिलर पे ही मकान है ये। कुल मिला कॉलम पे ही मतलब मकान रहने। हाँ, हाँ, कॉलम पे, कॉलम पे मकान रहने वाले। और प्लिंथ भी इसका जो है वो भी सरिया से ही बना हुआ है। हाँ, पर आपके अगर इस कॉलोनी में आना हो हमें तो कैसे हम आ सकते हैं, किस रास्ते से आ सकते हैं? देखिए, यहाँ तो आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है गौरा से, पूरा गौरा देखते हुए आइए, पूरी सारी साइडें देखते हुए, कितने कितने मकान बन रहे हैं, कहाँ कहाँ यहाँ पर साइडें बन रही हैं, पूरा देखते हुए चले जाइए। अब आज की तारीख में ये मान के चलो आप कि यहाँ पर अगर जमीन आप ढूंढोगे तो मिलना मुश्किल है, सारे प्लाटिंग हो चुकी है, लमसम बिक चुकी है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता डॉन बॉस्को से है। अच्छा, डॉन बॉस्को। हाँ, डॉन बॉस्को से हम लोग 1 किलोमीटर में आ जाएंगे और इधर से तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे आ गए, क्योंकि पूरा घना है, आबादी आबादी इधर भी है। अब बन रहा है, सारे लोग नए लोग रहने लगे हैं, तो हमें लगता है कि 1 साल में सारा फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्कूल भी होंगे जो भी उनके अगर नाम हमारे? देखिए, अभी तो यहाँ से 200 मीटर पे दिल्ली पब्लिक स्कूल बनने जा रहा है। ठीक है, और सूर्य इंजीनियरिंग कॉलेज है, कॉन्वेंट कॉलेज है, तमाम सारे डॉन बॉस्को ही अपना है जिसमें कई हजार बच्चे पढ़ते हैं, चाहे इस बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ, या बाहर से लखनऊ से आते हैं बच्चे यहाँ। अच्छा, लखनऊ के बच्चे यहाँ। हाँ, काफी है। बड़ा और काफी रिप्यूटेड स्कूल है, तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में उनके बच्चे पढ़ेंगे और इंटर तक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कहने मतलब इस मकान को अगर खरीदते तो सारी सुविधा यहाँ पास में, बिल्कुल दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अस्पतालों में रह गया, अस्पताल यहाँ पर देखिए सरकारी अस्पताल है, तो और आप लाइन से चले जाइए सड़क के किनारे किनारे, लाइन से देखिए सैकड़ों की संख्या में क्लिनिक हैं और 2500 रिपीटेटेड हॉस्पिटल यहाँ पर बने हुए, मतलब काफी सारे हैं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बार आकर विजिट जरूर करें, विजिट करेंगे तो ये लोकेशन और ये मकान आपको काफी पसंद आएगा, तो एक बार आकर के विजिट करें। विजिट करने के लिए स्क्रीन पर देखने पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।